मैं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से सर्टिफाइड गाइड हूँ। मैं आज आपको ग्वालियर में स्थित करौली वाली माता के दर्शन कराने जा रहा हूँ। आज इस मंदिर की जगह पहले एक पहाड़ी हुआ करती थी, जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। वहाँ पर हौदपुर निवासी हीरालाल जी महाराज यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे और गायों को चराते थे। इसके साथ ही उनको सपना आया कि यहाँ पर करौली वाली माता का मंदिर होना चाहिए। तब उन्होंने करौली वाली माता को आमंत्रित भेजा। करौली वाली माता ने सपने में ही आमंत्रण स्वीकार किया। इसके साथ ही वहाँ पर माता आई, उनको मंदिर का स्थापना की गई। पहले हम आपको करौली कुंवर महाराज के दर्शन कराने जा रहे हैं। ये मंदिर आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर एक चबूतरा हुआ करता था, जिस पर हीरालाल जी महाराज अपनी गायों के साथ विश्राम करा करते थे और अपने आराध्य की सेवा करा करते थे। इसके साथ ही इस मंदिर के पीछे करौली वाली माता का मंदिर विराजमान किया गया। इसके पीछे हम देखेंगे कि इसके जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये करौली वाली माता का है। यह चंबल ग्वालियर चंबल ही नहीं बल्कि उत्तर मध्य भारत का बहुत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है। इसके साथ ही इस मंदिर में हम जाएंगे तो राम जानकी का दरबार भी है, जिसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके कुंवर महाराज के जस्ट बगल में करौली वाली माता के पास ही राम दरबार सजाया गया है, जहाँ पर हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। आइए मंदिर में दर्शन करिए। एक मंदिर है, ये भगवान का दरबार है। इसके साथ ही यहाँ पर ये कुंड का निर्माण किया गया, यहाँ पर सिंधिया शासकों ने भी इस कुंड के निर्माण में बहुत सहयोग किया। बताया जाता है कि ये मंदिर के ऊपर ही ओंकारेश्वर भगवान का मंदिर की स्थापना की गई। पहले ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर एक झरना हुआ करते थे, जिससे पानी आया करता था और भगवान ओंकारेश्वर का अभिषेक अपने आप हो जाया करता था। इसके साथ ही आपको देख के ऐसा लगेगा कि यहाँ पर साधना स्थली थी, यहाँ पर राजा महाराज महेंद्र सभी लोग साधना करते थे और कीर्तनों का प्रोग्राम किया जाता है। इसके साथ ही इसके साधना स्थली बनाई गई। फिर इसके साथ ही आप देखोगे कि इस मंदिर पर लोगों ने, राजा महाराजाओं ने और यहाँ के जागीरदारों ने यहाँ के लिए कुछ जमीन दी, जिससे मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। इस मंदिर का निर्माण ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति करौली नहीं जा पाता है किसी कारणवश से, तो यहाँ आता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि करौली वाली जो माता है ना, कुछ समय वहाँ निवास करती हैं, इसके साथ ही कुछ समय यहाँ निवास करती हैं। वहाँ भी आदमी जाता है तो उसकी भी मनोकामना पूरी होती है, यहाँ भी अगर आता है तो यहाँ भी मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही देश विदेशों में जो बस गए हैं ग्वालियर से, वो भी यहाँ पर आके माता की प्रार्थना करते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ग्वालियर ही नहीं बल्कि उत्तर मध्य भारत का ये ऐतिहासिक मंदिर है, जिस भी पूजना देश विदेशों से लोग आते हैं। यह पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप कभी आइए, माता के दर्शन करिए, ओंकारेश्वर धाम के दर्शन करिए, करौली वाली माता के दर्शन करिए, कुंवर महाराज के दर्शन करिए, राम दरबार के दर्शन करिए, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह मंदिर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों साथियों, नमस्कार।